जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने और कथित राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के मामले में दर्ज FIR को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केस दर्ज होने की एक खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के तहत भारत का फांसीवाद की तरफ बढ़ने का एक और शर्मनाक उदाहरण है। इससे पहले पाकिस्तान ने गिलानी के निधन पर गुरुवार को एक दिन का शोक भी मनाया था और अपने झंडे को आधा झुका दिया था। इमरान खान ने रविवार सुबह ट्वीट पर लिखा कि कश्मीरी नेताओं में सबसे सम्मानित और सिद्धांतवादी 92 साल के सैयद अली शाह गिलानी के शव को छीनना और फिर उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करना नाजीवाद से प्रेरित IRSS बीजेपी सरकार के तहत भारत का फांसीवाद की तरफ बढ़ने का एक और शर्मनाक उदाहरण है। पाकिस्तान समर्थक सैयद अली गिलानी का लंबी बीमारी के बाद बुधवार रात को श्रीनगर में उनके आवास पर निधन हो गया। जम्मू कश्मीर में 3 से अधिक दशकों तथा अलगाववादी मुहिम का नेतृत्व करने वाले गिलानी को उनके घर के नजदीक के एक मस्जिद में सुपुर्द खाक किया गया था। पुलिस ने एक वीडियो फुटेज के आधार पर शनिवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि बडगाम पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ UAPA और IPC की अलग अलग धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस ने उस वीडियो का संज्ञान लिया जिसमें गिलानी का शव पाकिस्तानी झंडे में लिपटा दिखाई दिया। हालांकि जैसे ही पुलिस शव को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ी, अलगाववादी नेता के सहयोगियों ने झंडा हटा दिया। गिलानी के निधन के बाद कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों में एहतियात के तौर पर शनिवार को तीसरे दिन भी पाबंदियां जारी रही थी। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को शुक्रवार रात बहाल किया गया था, लेकिन शनिवार सुबह फिर से बंद कर दिया गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने आम जनता से अपील की है कि घाटी में शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के उद्देश्य से देश विरोधी तत्वों द्वारा खासकर सीमा पार से फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। इससे पहले गिलानी के निधन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ। खान ने कहा था कि पाकिस्तान का ध्वज आधा झुका रहेगा और हम एक दिन का आधिकारिक शोक मनाएंगे। वहीं राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने पिछले साल गिलानी को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।